नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लिख रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर ऑन एन अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व प्लेट। यानी कि सिंपल सी बात है कि एक जेट है जो टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है हमारी मूविंग कर्व्ड प्लेट को एक टिप पर। ठीक है, इसके दो टिप हो सकते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर के यानी कि इंपैक्ट ऑफ जेट्स के दूसरे भी वीडियोज न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। और साथ में मेरे पूरे चैनल की प्लेलिस्ट का भी एक लिंक होगा जहां पर अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स चाहते हैं लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, इसके दूसरे चैप्टर्स कौन कौन से हैं, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफर, 11th, 12th, 11 केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो भी आपको मिलेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी होंगे तो उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन एन अनसिमेट्रिकल मूविंग कर्व्ड प्लेट, टेंजेंशियली हिट किया जा रहा है बाय जेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल है, इसके लिए एक मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल्स बताए। फिलहाल तो मैं वेलोसिटी ट्रायंगल्स फटाफट यहां पे बना लूंगा जो आपको भी इजीली समझ भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी डिटेलिंग भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये है हमारी कर्व्ड मूविंग प्लेट, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक कर्व्ड प्लेट है, सपोज इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूं। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है क्लियरली। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि अब इस मूविंग कर्व्ड प्लेट के एजेस पे यानी कि टिप्स पे अभी इनलेट, यहां पर इनलेट पे, ये तो आउटलेट है। ठीक है, तो इनलेट पे यानी कि बोल सकते हैं कि इसके एक टिप पर एक जेट द्वारा स्ट्राइक किया जा रहा है विद एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी वन। ठीक है, ओके, तो मैं ये रहा हमारा, ठीक है, ट्रायंगल। अभी हम ट्रायंगल बनाएंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं यहां पर जेट बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा जेट। ठीक है, ओके, ये बन गया हमारा जेट। ठीक है, ओके, तो यहां से एक काम करूंगा, इसको बताने के लिए मैं एक रेड कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं कि यहां से हमारा जेट निकला। ठीक है, ये हमारा जेट निकला, क्लियर हो गया। ओके, अब ये जेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिलहाल ये डॉटेड लाइन में यहां बनाया था मैंने, धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसको स्ट्राइक कर रहा है। याद रखिएगा जेट की खुद की वेलोसिटी जिसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, और ये जो मूविंग प्लेट है इसकी खुद की वेलोसिटी यू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है, ओके, तो मैं यहां पर जो एरो है एक काम करूंगा, यहां पर ये जो एरो है ये ऊपर की साइड बना देता हूं। दिस इज विद अ वेलोसिटी वी वन, क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है जेट की, खुद की वेलोसिटी है। ठीक है, ओके, तो अब मैंने यू मीटर पर सेकेंड मूविंग प्लेट की वेलोसिटी तो बताई दी। ओके, तो फिलहाल मैं यहां पर वेलोसिटी ट्रायंगल्स भी बना दूंगा। अगर आप ज्यादा समझना चाहते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल, क्योंकि आज हम डेरिवेशन देखने वाले की कितनी फोर्स एक्सर्ट की गई इस टेढ़े जेट द्वारा। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी ट्रायंगल्स को ज्यादा डेप्थ में समझना चाहते हैं तो मेरा एक और वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, जिस जो नाम ही है जिसका, वेलोसिटी ट्रायंगल्स इन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ दिस क्या बोलते हैं अनसिमेट्रिकल मूविंग प्लेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फटाफट बना देता हूं यहां पर। यहां पर भी मैं वैसे बताऊं, ऐसी बात नहीं है। ओके, याद रखिएगा कि ये जो जेट स्ट्राइक कर रहा है विद वेलोसिटी वी वन, ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में, या फिर बोल सकते विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा डिग्री पे यानी कि ये जेट फायर किया जा रहा है। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, तो इसके ऑटोमेटिकली दो कंपोनेंट आ जाते हैं। देखिए, क्योंकि आपको मालूम होगा, अगर आपने देखा ही होगा कि कोई भी फोर्स अगर टेढ़ी है तो वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है, एक तो एक्स डायरेक्शन की तरफ जाती है और एक वाई डायरेक्शन की तरफ जाती है, तो वैसे ही इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हैं। अब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी इंक्लाइंड है एट एन एंगल अल्फा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा वी डब्ल्यू वन, कौन सा वी डब्ल्यू वन, ओके, एक जो हो जाएगा वो ऊपर की तरफ होगा, दिस इज वी एफ वन। अब मैंने वन क्यों लिया, क्योंकि ये सारी चीजें इनलेट पे हो रही है आपके इस कर्व्ड प्लेट के। क्लियर हो गया? ओके, चलिए ये हो गया। ओके, अब इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली जो बात है कि देखिए, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी हम यूज करने वाले हैं। इस वेलोसिटी ट्रायंगल में हम रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे हमने ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 बताई है कि ये टेढ़ी स्ट्राइक कर रही है, तो आपकी क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो भी टेढ़ी होगी। ठीक है, सो दैट विल बी, क्योंकि इस ट्राइंगल में हमको कहां बताना है ये रिलेटिव वेलोसिटी, ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, मगर उसको वो भी आपको समझ जाएगा वेलोसिटी ट्रायंगल्स जब आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, ऐसा ही क्यों बताया गया, टेढ़ा ही क्यों बताया गया। तो एक काम करूंगा, इसको मैं बात करूंगा वी आर वन, ये है रिलेटिव वेलोसिटी जेट की,
रिलेटिव वेलोसिटी जेट की विद रिस्पेक्ट टू मूविंग प्लेट. ओके, तो ये भी कुछ एंगल बनाएगी, दिस इज थीटा. ठीक है, अब आउटलेट पे एक एंगल बनता है रिलेटिव वेलोसिटी का फाई और ये थीटा. जब फाई और थीटा सेम हो जाते हैं तो ये अनसिमेट्रिकल मूविंग प्लेट जो है वो सिमेट्रिकल मूविंग प्लेट हो जाती है. ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज, अब हम पता करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी निकाली कैसे गई. अब देखिए मैं काम करता हूं, इसको नाम दे देता हूं. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. क्लियर हो गया. ओके, दूसरी चीज, हाँ, अब मैं यहां पर यह भी मेंशन कर देता हूं कि ये जो डीसी है ये है हमारी मूविंग प्लेट की वेलोसिटी इनलेट पे. मगर यू वन क्यों बताया गया, ये वी डब्ल्यू वन तो मैंने बताया दिया है क्योंकि ये एक कंपोनेंट है हमारे एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है. और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको फ्लो कंपोनेंट बोलते हैं, इसको वर्ल कंपोनेंट बोलते हैं, इसको फ्लो कंपोनेंट बोलते हैं. और ये परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ योर मूविंग प्लेट. क्लियर हुआ. ओके, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ लेते हैं. सपोज क्या बोलते हैं, अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी, अब आपकी जो प्लेट चल रही है वो है आपकी यू मीटर पर सेकेंड से. क्या यू मीटर पर सेकेंड? एक चीज बता देना चाहता हूं, यू जो है इनलेट पे जो भी प्लेट की वेलोसिटी होगी और आउटलेट पे जो प्लेट की वेलोसिटी होगी, यहां पर है U1, आउटलेट पे U2 होगी और यहां पर इसकी U है. तो U इक्वल टू U1 इक्वल टू U2. क्लियर हो गया. ओके, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आपकी जो प्लेट चल रही है इन द पॉजिटिव x एक्सिस यानी कि इस x डायरेक्शन में, वो U से चल रही है. ओके, हाँ, मगर आपका जो जेट है वो स्ट्राइक कर रहा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी से. तो हमने ये टेडी वेलोसिटी नहीं लेनी है, हमने कौन सी लेनी है, इसी वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट जो इन डायरेक्ट, कौन सी डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन एक्स, या फिर बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस मूविंग प्लेट. तो ये कंपोनेंट नहीं है वो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जा रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस प्लेट. हमने ये कंपोनेंट लेना है. तो ओके, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, VW1 कंपोनेंट है आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी का. ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि यू की वेलोसिटी कम है, VW1 की ज्यादा है. तो कहने का मतलब अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है किसकी, जेट की, किसके रेस्पेक्ट में, इस मूविंग प्लेट के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट इनलेट पे. ये सारी चीजें इनलेट पे हो रही है. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जो वेलोसिटी ज्यादा उसको यहां पे लिखिए, VW1 - U. क्लियर हो गया. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. तो ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी जो रिप्रेजेंट करने वाला ये टर्म है. देखिए VW1 - U, तो इसी वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि U1 कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, VW1 - U, क्योंकि निकाला ना हमने VW1 - U. तो ये है हमारी यहां से लेकर यहां तक कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज V, R एंड दिस इज J, ये जेट की है और इनलेट पे है. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. वैसे ही मैं क्या करूंगा, अब मैं आउटलेट पे भी यही बता देता हूं. ठीक है, तो आउटलेट पे भी जो हमारा क्या बोलते हैं, हाँ, जो जेट निकल रहा है, मान लीजिए, ठीक है, आपकी जो वेन है यानी कि मूविंग प्लेट स्मूथ है, इस दौरान कोई लॉसेस नहीं होते, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जेट की विद रिस्पेक्ट टू मूविंग प्लेट इनलेट पे होगी वही आउटलेट पे भी होने वाली है. फिलहाल ये जो जेट निकल रहा है, मतलब ये जेट निकल रहा है विद एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2. क्या V2? ओके, तो डेफिनेटली इसके भी दो कंपोनेंट होंगे. ठीक है, यहां पर मैं कंपोनेंट बना देता हूं. ओके, एक हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ. क्लियर हो गया. ओके, हाँ, मैं इसकी डायरेक्शंस भी बना देता हूं. ये भी डायरेक्शन इसकी है, ये VRJ1 की है और ये वाली जो है दिस इज U1. ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है. क्लियर हो गया. ओके, और दूसरी चीज, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. ये जो VW1 है ये भी मैं इसी डायरेक्शन में बताता हूं. देखिए मैंने एरो भी बना दिए. ठीक है, हाँ, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये भी इसी डायरेक्शन में. हो गया, चलिए. तो ऊपर जाने वाला जो कंपोनेंट होगा VF2, हाँ, ये कंपोनेंट है, ये जो फ्लो कंपोनेंट है ये भी आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी का ही है. तो इसको भी मैं एरो दे देता हूं ऊपर की तरफ. ओके, और ये जो एरो है इस साइड, ठीक है, ये है हमारा यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा कंपोनेंट है, हमारा वर्ल कंपोनेंट है, दिस इज VW2. क्लियर हो गया. ओके, अभी तक तो मैंने डेरिवेशन स्टार्ट भी नहीं किया, मैं फटाफट ये खत्म कर देता हूं. ओके, अब आएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट. ठीक है, अब आपको ये भी पता चलेगा, काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर V2 इसी को क्यों दिया गया, इसको क्यों VF2 दिया गया. ठीक है, मींस VR2 दिया गया. ये क्या है हमारा, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर जेट. ठीक है, ओके, अब मैंने क्या बोला था, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल या विद रिस्पेक्ट टू योर मोशन ऑफ प्लेट एंगल बनाएगा, दैट इज फाई. क्लियर हो गया. ओके, अब दूसरी चीज, ये जो बीटा जो एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा एंगल है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी बनाती है. तो डेफिनेटली यहां पर भी मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज U2, और जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी पूरी आउटलेट पे, ठीक है, वो क्या होगी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट. तो ये यहां से लेकर यहां तक है और इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी.
आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जो जेट की आउटलेट में है ये दो कंपोनेंट से बना, एक यू टू प्लस वीडब्ल्यू टू। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। देख लीजिए कैसे, देखिए एक तो ये VW2 है, VW2 किसका कंपोनेंट है, ये आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी का है। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए इसकी डायरेक्शन में नहीं यहां बताई हुई ये वाली, और ये U2 की है, ये इस साइड है, क्योंकि आपका जो प्लेट है आउटलेट पे जो मूविंग प्लेट की डायरेक्शन है वो इस साइड है, ठीक है। तो आप देख लीजिए VW2 आपका उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ओके, बट आपकी जो मूविंग प्लेट है वो किस डायरेक्शन में, U2 में है, ओके। सो अब हम ये बोलते हैं, मान लीजिए U2 की वेलोसिटी ज्यादा ही होगी, ठीक है, ज्यादा है, समझ में आ रहा है, ओके। तो मेरे को अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी जेट की आउटलेट पे तो क्या होगा, U2 माइनस, ओके। अब मैंने देखिए इसकी डायरेक्शन उल्टी है, मगर इससे पिछले केस में जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी तो दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये माइनस साइन फॉर्मूले का है, अब उल्टी डायरेक्शन की वजह से मैं नेगेटिव साइन पुट कर दूंगा। देखिए ये साइन फॉर्मूले का है और ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये उल्टी डायरेक्शन की वजह से मैंने नेगेटिव साइन पुट कर दिया, यहां पे लिख दिया VW2, तो क्या हो जाएगा U2 प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव VW2, तो यही है वो U2 प्लस VW2 इज VRJO, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें हमने लगभग 10-11 मिनट निकाल दिया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है आपको वेलोसिटी ट्रायंगल्स का तो ये बहुत ईजी है। हाँ, इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं, ये जो जेट है देखिए ये है हमारा विद रिस्पेक्ट टू लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी के रिस्पेक्ट में यही है ना हमारा बीटा, देखिए अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना ये वाले, दिस इज दिस, ओके, तो यही है वो बीटा हमारा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था फिलहाल बीटा ऐसा है, मतलब ये जो जेट निकल रहा है एब्सोल्यूट वेलोसिटी से यहां पर है, कभी कभी वो 90 भी हो सकता है, कभी कभी वो 90 से ज्यादा भी हो सकता है, तो उस केसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम भी होता है कि हमें समझना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जेट हो रहा है, जो जेट निकल रहा है, ठीक है, अभी हमें क्या निकालनी है, फोर्स, ठीक है, कितनी फोर्स एग्जर्ट की जा रही है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि भाई हमारा कितना मास फ्लो रेट बाहर निकल रहा है इस जेट के थ्रू। अब जेट आपका स्ट्राइक करने वाला है क्या बोलते हैं विद रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि आपका जेट भी चल रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v1 और आपकी ये मूविंग प्लेट भी चल रही है, यानी कि प्लेट u मीटर पर सेकंड से। तो आप देखिए तो हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इनलेट पे वो तो vr1 होगी, मैंने बता चुका है vr1 क्या, समझ में आ रहा है, vr1 ही होगी, vr1 ही होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मास फ्लो रेट सबसे पहले निकाल लेते हैं, मास फ्लो रेट क्या होगा, सो देयरफॉर मास फ्लो रेट किसका, जेट का विद रिलेटिव वेलोसिटी जो स्ट्राइक करने वाला है इस क्या बोलते हैं मूविंग प्लेट को टेंजेंशियली, क्लियर हो गया, विद एन एंगल थीटा, ठीक है। तो क्या होगा मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट आपको मालूम है इसकी यूनिट होती है केजी पर सेकेंड, क्लियर हो गया, ओके। तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, रो से, रो की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, ओके। अगर हमें केजी पर सेकेंड चाहिए तो डेफिनेटली हमें मीटर क्यूब को हटाना पड़ेगा यहां से और सेकेंड से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे थोड़े गौर से, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, फ्लो रेट की यूनिट होती है। तो फ्लो रेट मैं कैसे लेके आऊंगा, रो इंटू ए इंटू वी आर वन, वी आर वन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट with which it is going to strike tangentially at one of its tip, tip को वो strike करने वाला है with relative velocity कौन, jet, clear हो गया। अगर आप इसकी unit देखेंगे rho, rho की unit क्या होती है, kg per meter cube into a, a क्या है, area, किसका area, jet का area जो निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई छेद होगा या nozzle होगा उसका area होगा, okay, जिस यानी कि जिस area से वो jet travel कर रहा है, जो cross section area का वो use कर रहा है travel करने के लिए, ओके तो एरिया, एरिया क्या होती है यूनिट, उसकी मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो ओके तो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर इज मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब है, कैंसिल हो गया, केजी पर सेकंड आ गया, तो दिस इज द मास फ्लो रेट जिससे वो ट्रैवल करेगा, यानी कि स्ट्राइक करेगा आपके मूविंग प्लेट को और वो भी टिप्स पे टेंजेंशियली, क्लियर हो गया ये, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते, तो ये हो गया हमारा मास फ्लो रेट, तो मैं यहां पे मास फ्लो रेट को लिख लूं, मास फ्लो रेट, ठीक है, क्या होगा, रो ए इंटू वी आर वन, क्लियर हो गया, ओके। चलिए अब हम निकालते हैं बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मींस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आपको मालूम है फोर्स कैसे, नेट फोर्स जो एग्जर्ट की जाती है वो लिखी जा सकती है मास फ्लो रेट। मैंने मेरे पिछले काफी सारे वीडियोस में मैंने ये डिराइव किया है कि फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे लिखी जा सकती है, तो मैं अभी फिलहाल बार बार नहीं करूंगा वो, मास फ्लो रेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, क्लियर हो गया, ओके। तो चलिए फोर्स जो एग्जर्ट की जा रही है, फोर्स एग्जर्टेड इज इक्वल टू मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कितना है, रो ए वी आर वन, ओके। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जिससे वो स्ट्राइक करने वाला है। अब आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वी आर वन क्या था, सिंपली यहां पर फटाफट कर लेते हैं, ओके, वी आर वन क्या था हमारा, देखिए
आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ रिलेटिव वेलोसिटी, हमें रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए ना, तो वी आर वन, तो यहां पे लिखा ही हुआ है ना मैंने वी आर जे आई, ये वही है ना वी आर वन, या फिर बोल दीजिए वी आर जे आई, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जेट की इनलेट पे, ये कितनी होगी भाई? तो कैसे पता चलेगा, देखिए आपका जो मूविंग प्लेट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, ओके, देन योर इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो वी डब्ल्यू वन है, तो वी डब्ल्यू वन, ओके क्लियर हो गया? सो ये ज्यादा है इस, ये कम है, सो देयर फॉर वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन, तो क्लियर हो गया? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो जेट स्ट्राइक करने वाला है, तो दिस इज योर वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन, क्लियर हो गया? ओके अब बीच में माइनस साइन फॉर्मूले का है, ओके अब आती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट आउटलेट, तो वो फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी आर जे ओ, क्या है वो वी आर जे ओ, अब ये वी आर जे ओ कैसे बना है, वी आर जे ओ बोल लो या फिर वी आर टू बोल लो, ओके कैसे बना है देखिए, हाँ तो अब आप देखिए ये दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक तो आपका ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी टू का ये कंपोनेंट है, दैट इज मतलब देखिए अगर इसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये उल्टी है वी डब्ल्यू टू, ओके देन योर जो क्या बोलते हैं दूसरी कौन सी है, हाँ हमारा यू टू है, बट यू टू का डायरेक्शन क्या है, ये उल्टा है, ओके तब आपको मालूम है दैट यू टू इज ग्रेटर देन वी डब्ल्यू टू, क्लियर हो गया? यू टू इज ग्रेटर देन, अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे, मतलब देखिए वेलोसिटी ट्राइंगल्स में हर एक वेलोसिटी ट्राइंगल्स में वेलोसिटी बताई गई है और डायरेक्शन बताया गया है, क्लियर हो गया? ओके सो ये कैसा होगा, दैट विल बी यू टू, ठीक है ये इस डायरेक्शन में, ओके अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि दोनों इनलेट पे दोनों एक ही साइड पे थे, एक ही डायरेक्शन थी, तो हमने सिंपली दिस माइनस दिस कर लिया था, मगर U2 लिख दिया बीच में माइनस साइन फॉर्मूले का लगाया, मगर इसकी डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं और फिर V लिख रहे हैं वी डब्ल्यू टू, याद रखिएगा ठीक है, सो दैट विल बी यू टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वी डब्ल्यू टू, क्लियर हो गया? दोनों को ऐड कर दिया, तो सिंपली अब आप देखिए ये क्या है हमारा, दिस इज वी आर टू है, सॉरी वी आर टू या फिर रिलेटिव वेलोसिटी जेट की आउटलेट पे, मगर इसकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है जो टेढ़ी है जो एंगल बना रही है अल्फा, ठीक है वो इस ऐसे है, तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन भी उल्टी ही आएगी इस डायरेक्शन में, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो किसकी है जेट की, जिससे वो बाहर निकल रहा है आउटलेट पे, उसकी डायरेक्शन उल्टी है किसके रेस्पेक्ट में, आपके इस मूविंग प्लेट के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, ये साइन तो फॉर्मूले का था, ये नेगेटिव साइन हमने किस लिए लगाया, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ही उल्टी है, तो हमने नेगेटिव साइन उसका लगाया, और एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है यू टू प्लस वी डब्ल्यू टू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी, काफी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है ये कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का, और काफी कमेंट्स आए थे सर कि ये लेके आइएगा, मगर सॉरी फॉर दिस मैं टाइमिंगली नहीं ले पाया जब आपके एग्जाम्स चल रहे थे, ठीक है तो अब हम लिखेंगे रो ए वी आर वन, अब हम इसे खोल देते हैं वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, याद रखिएगा यहां पर जो मैंने कंपोनेंट लिए वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है अगर कहीं पे उल्टा जा रहा है तो हमने नेगेटिव साइन असाइन कर दिया वहां पे, तो दिस इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज यू टू, देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बाकी तो वही साइन है, प्लस वी डब्ल्यू टू, क्लियर हो गया? ओके तो ये कैंसिल, सो देयरफॉर एफ इक्वल टू रो ए वी आर वन, दिस इज वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू, याद रखिएगा ये तब वैलिड है जब बीटा, व्हेन बीटा इज लेस देन 90 डिग्री, क्लियर हो गया? ओके अगर यही चीज बीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, बीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, ये देख रहे हैं अभी बीटा, बीटा किसके रेस्पेक्ट में बन रहा है, आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में ये एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, जिस वेलोसिटी, जिस एब्सोल्यूट वेलोसिटी से हमारा जेट बाहर निकल रहा है, सपोज अब वही चीज, सपोज यही चीज मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है ये हो गया हमारा प्लेट, ओके अब हमारा जो जेट है वो ऐसे निकल रहा है मान लीजिए, ठीक है तो अगर आप जेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं बोल रहा हूं कि अगर यही चीज ऐसे हो जाए तो ये वी डब्ल्यू टू तो खत्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो कंपोनेंट था आपका इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, तो यहां पर क्या होगा कि जो वी टू है वही वी एफ टू बन जाएगा आपका, और वी डब्ल्यू टू तो खत्म ही हो जाएगा, तो फिर उस केस में ये वी डब्ल्यू टू कैंसिल हो जाता है, तो अब हम लिखेंगे एफ इक्वल टू रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन, सिर्फ तो ये उड़ जाएगा, मगर अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ये उड़ेगा नहीं, तो दिस इज वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू रहेगा, ओके एक और केस आता है व्हेन बीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, कितना 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है अभी उसका भी डेरिवेशन है, उसका भी अलग, उसका अलग डायग्राम आ जाता है, ठीक है उस डायग्राम में हम क्या करेंगे, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं,
आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। हो गया क्लियर? ओके चलिए, इसको भी मिटा देता हूं। नहीं, इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी हमने लास्ट में लिखना है। ओके, मैं बोला था अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये बीटा, ये जो फायर हो रहा है ना आपका, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी से, ये अगर ऐसे हो जाए तो, समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहां पर करता हूं, ठीक है, जल्दी से करूंगा। ठीक है, ये हो गया ये। ओके, अब ये ऐसे निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ये बीटा, देखो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो वापस आपको वेलोसिटी ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो उस केस में ये ऐसा हो जाएगा, रो ए वी आर वन, दिस इज वी डब्ल्यू वन, यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन क्यों आया उसका भी एक रीजन है। ठीक है, जब आप वेलोसिटी ट्रायंगल्स बहुत अच्छे से फाइंड आउट करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज डू राइट कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखिए, अब हमें दोनों ऑप्शन लेने हैं, तो मैं यहां पे फाइंड लेता हूं, एफ रो ए वी आर वन, दिस इज वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू। क्लियर हो गया? अगर आपका बीटा लेस देन 90 डिग्री है तो प्लस आएगा, इक्वल टू 90 डिग्री है तो वी डब्ल्यू टू गायब हो जाएगा, और ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू आएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे कितनी पावर रिक्वायर्ड है, या फिर कई बुकों में दिया हुआ है, यहां पे काम करता हूं, द पावर रिक्वायर्ड टू मूव दिस प्लेट पर सेकेंड, इस प्लेट, मूविंग प्लेट, यानी कि इस प्लेट को चलाने के लिए, ठीक है, कितनी पावर का रिक्वायरमेंट है। तो पर सेकेंड, अभी देखिए पावर है तो डेफिनेटली पर सेकेंड तो आ ही जाएगा, एनर्जी पर सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं कितना वर्क डन किया गया है इस मूविंग प्लेट के ऊपर। क्लियर हो गया? किसके द्वारा? मूविंग जेट के द्वारा पर सेकेंड में, ये भी लिख सकते हैं। तो पावर रिक्वायरमेंट वो क्या होती है, अब आपने इसकी यूनिट देखी कि वैट, वैट को बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। ओके, जूल को बोल सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड, सिंपल। ओके, अब न्यूटन को थोड़ा अलग कर दो, मीटर पर सेकेंड को अलग कर दो, तो ये किसकी है, ये आपकी फोर्स की यूनिट है, ये वेलोसिटी की यूनिट है। ठीक है, तो आपकी ये जो क्या बोलते हैं मूविंग प्लेट है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है भाई, यू वेलोसिटी से चल रही है, और फोर्स कौन सी है, फोर्स तो अभी आप निकाल ही चुके हो, तो दिस इज द पावर रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज रो ए वी आर वन, दिस इज वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू, ओके दिस इज यू, तो दिस इज द पावर रिक्वायरमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो अगर कई बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि देखिए ये जो पावर रिक्वायरमेंट है ये चाहिए इस प्लेट को चलने के लिए, ठीक है, या फिर कितना काम किया गया जेड द्वारा इस प्लेट के ऊपर पर सेकंड में, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, दूसरी चीज, अगर हमें क्या बोलते हैं पावर, तो हमें पता चल गया जो इस प्लेट को चलाने के लिए चाहिए, तो पावर रिक्वायर्ड, बट किसके द्वारा, आपके जेड द्वारा, वो भी यूनिट वेट ऑफ द्वारा, यूनिट वेट ऑफ क्या, यूनिट वेट ऑफ स्ट्राइकिंग जेट, स्ट्राइकिंग जेट पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो पावर रिक्वायरमेंट तो मैंने लिख ही दिया है, फोर्स तो हमारी आई गई थी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, चलिए यहां पर देखिए, तो सबसे पहले लिख देता हूं दिस इज पावर, ओके, डिवाइड बाय योर यूनिट वेट, यहां पर लिख देता हूं यूनिट वेट, और वो भी पर सेकेंड, पर सेकेंड। मगर ये यूनिट वेट किसका है, ये आपके स्ट्राइकिंग जेट का है, जो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करने वाला है। ठीक है, सो दिस इज योर पावर डिवाइड बाय दिस, तो पावर तो हमें मालूम है कितना है, रो ए, दिस इज वी आर वन, दिस इज वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू, ओके यू हो गया यू। ओके, अब किसे पर यूनिट वेट ऑफ स्ट्राइकिंग जेट पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो देखिए वेट लाना है तो सबसे पहले मास चाहिए, मास कैसे लेके आओगे, मास फ्लो रेट हमें चाहिए, समझ में आ रहा है, यहां पे वेट पर सेकेंड है मगर उससे पहले हमें मास फ्लो रेट चाहिए, मास फ्लो रेट में सेकेंड ऑलरेडी है, टाइम ऑलरेडी है, तो कहने का मतलब है याद रखेंगे, तो ये जो है देखिए, तो मास फ्लो रेट क्या चाहिए, उसकी यूनिट देखिए केजी पर सेकेंड, तो ये वही है, यानी कि जेट जो वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो उसका मास फ्लो रेट क्या होगा, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, यहां पे मास फ्लो रेट लिखा ही हुआ था, रो ए वी आर वन, मगर आप देखेंगे ये केजी पर सेकेंड में, तो मास फ्लो रेट को अगर मेरे को वेट में कन्वर्ट करना है तो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया, अब इससे इसे ये कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा जो ये आ जाता है फाइनली, जो पावर का रिक्वायरमेंट है इस मूविंग प्लेट को, ठीक है, यूनिट बाय, अगर हम डिवाइड कर देते हैं यूनिट वेट ऑफ स्ट्राइकिंग जेट, स्ट्राइकिंग जेट पर सेकेंड, तो कितना आएगा हमारा, दिस इज द फॉर्मूला, वन अपॉन जी, दिस इज वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू, दिस इज यू। क्लियर हो गया? ओके, चलिए,
ये भी आ गया हमारा। अब निकालेंगे हम फाइनली एफिशिएंसी। क्या एफिशिएंसी? देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, दिस इज इनपुट बाय आउटपुट, यानी कि देखिए आउटपुट बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अभी देखिए कि ये जो इनपुट है ये किसके द्वारा लगाया था, ये इनपुट पे एनर्जी अवेलेबल है, ये आउटपुट पे एनर्जी अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? इनपुट पे एनर्जी अवेलेबल पर सेकंड है, आउटपुट पे भी एनर्जी पर सेकंड है। अब ये जो एनर्जी किसको मिल रही है, ये आपके इसको मिल रही है, मूविंग जेट को। क्लियर हो गया? ओके, तो अभी इनपुट पे क्या है, देखिए इनपुट पे तो सिर्फ एक जेट था जो अपनी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर हो गया? ओके, आउटपुट पे क्या है, कौन सी एनर्जी है, कितनी एनर्जी मिली इस जेट को पर सेकेंड, यानी कि पावर का रिक्वायरमेंट, पावर का रिक्वायरमेंट तो हमारा ये था ना। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज रो ए वी आर वन, दिस इज वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। क्लियर हो गया? ओके, अब इसे मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं और अच्छे से। हाँ, अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको यह भी बता दूंगा कि बीच में माइनस कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए, तो देयरफॉर द एफिशिएंसी इज रो ए वी आर वन, दिस इज वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू। क्लियर हो गया? ओके, सो देयरफॉर हाफ। अब ये जो मास फ्लो रेट है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी का है, क्योंकि इनिशियली कितना पावर हमारे पास था, अभी हमारे पास नहीं था, वो जेट के पास था। ठीक है, जब तक वो स्ट्राइक नहीं हुआ था तो किस एनर्जी से वो आया था, तो दिस इज मास फ्लो रेट, और वो भी पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर भी पर सेकंड यानी कि पावर है, यानी कि वर्क डन पर सेकंड है, और नीचे भी क्या बोलते हैं एनर्जी पर सेकंड है, तो यहां पे मास ना होके मास फ्लो रेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि जेट ट्रेवल कर रहा है ना। ओके, सो दिस इज रो ए वी वन। क्लियर हो गया? यहां पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी यूज नहीं करनी है, और ये वेलोसिटी है, तो दिस इज वी वन स्क्वायर, तो दिस इज योर एफिशिएंसी। आप चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, ये भी हो गया। ओके, अब जल्दी से मैं ये बात कर लेता हूं हमारा, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं एक चीज बात कर रहा था कि ये जो फोर्स का रिक्वायरमेंट था, यहां पर हमने क्या लिखा था, रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू। हाँ, मैं ये बोल रहा था। ठीक है, अब मैं प्लस हटा देता हूं, क्योंकि प्लस वाला केस समझा दिया, क्या बोलते हैं, जब बीटा लेस देन 90 डिग्री था, जब बीटा 90 डिग्री था तो वी डब्ल्यू टू ही उड़ जाता है। अब माइनस आया तो कब, जब बीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए अब ये कैसे बनता है, इनलेट पर तो ठीक रहेगा, इनलेट पे तो यही केस रहने वाला है आपका, क्या वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, मगर आउटलेट पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये बुकों में नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज बीटा, बीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, 120 130 जो भी है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो है, दिस इज, ये तो आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। ओके, देन योर, ध्यान से देखिएगा, ओके, ये जो ऊपर जा रहा है, दिस इज फ्लो कंपोनेंट है आपका वी एफ टू। ओके, तो डेफिनेटली ये क्या होगा फिर, आपका वी डब्ल्यू टू ही होगा। क्लियर है? ओके, अब यहां पर जो आ रहा है, दिस इज व्हाट, ये जो है, ये है आपका रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पे। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी है आपकी आउटलेट पे, तो ये जो होगी, दिस इज व्हाट, ये इस रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि ये टेढ़ी है एट एन एंगल फाई, ठीक है, तो डेफिनेटली रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कौन सा होगा, दिस इज, यही तो है वो रिलेटिव वेलोसिटी आपका कहां पर, जेट की आउटलेट पे, तो यहां से लेकर यहां तक। अब डायरेक्शन भी तय कर लेते हैं, देखिए अब ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये एक्चुअली इधर जा रहा था, इसकी डायरेक्शन तो उल्टी होगी। क्लियर है? ओके, अब रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन इस साइड है, तो डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर हो गया? ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि वी आर जे ओ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और वो भी पार्ट है, पार्ट है, तो डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, ये आपका यू टू होगा, और इसकी डायरेक्शन इस साइड ही होगी, क्योंकि यू टू क्या है, आपका वेलोसिटी है प्लेट की आउटलेट पे। तो ऑलरेडी बता चुका हूं दैट यू टू इक्वल टू यू वन इक्वल टू यू। क्लियर हो गया? ओके, अब मेरे को लिखिए रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको मालूम ही था मास फ्लो रेट हमने कैसे लिखा था, दिस इज रो ए, दिस इज वी आर वन, ओके, इनिशियल वेलोसिटी थी, ओके, माइनस फाइनल वेलोसिटी थी। लेट मी चेक हाउ मच टाइम इज देयर, हाँ, एक मिनट बाकी है, तो जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। वी आर वन, ओके, इनलेट पे वेलोसिटी क्या थी वो तो आपको मालूम ही है, वी डब्ल्यू वन माइनस और यू वन थी। ठीक है, ये तो माइनस कर देता हूं, नेगेटिव साइन यहां पे फॉर्मूले का था। ओके, आउटलेट पे, अब आउटलेट पे देख लीजिए क्या है। ओके, आउटलेट पे क्या है भाई,
चलिए यहां पे देखिए, अच्छा ये जो ये वाली वेलोसिटी है ये कैसे आई होगी, ठीक है ये वाली कैसे आई होगी, तो देखिए ये कैसे आई होगी, साफ इससे दिख रहा है कि यू टू में से वीडब्ल्यू टू माइनस किया तभी तो आया है, क्लियर हो गया। ओके आप ऐसे भी अगर देखना चाहते, देखिए यू टू की वेलोसिटी इस साइड है, ओके वीडब्ल्यू टू की भी वेलोसिटी किस साइड है, वो इसी साइड है, देखिए एरो दे रहा है इस साइड, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हाँ यू टू की वैल्यू बड़ी है, वी टू की वीडब्ल्यू टू की छोटी है, तो क्या होगा, दिस इज यू टू माइनस योर वी डब्ल्यू टू, क्लियर हो गया। तो ये है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी जेट की आउटलेट पे, मगर याद रखिएगा इसकी जो डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है, देखिए वी आर जीओ कैसे आया, यू टू में से ये वी डब्ल्यू टू माइनस किया, ये किया, या फिर ऐसा भी समझा सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, इससे भी बताया जा सकता है डायग्राम से, और ऐसे भी बताया जा सकता है, ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था, मगर ये तो हो गई आपकी आउटलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी जेट की, ठीक है। मगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसकी खुद की डायरेक्शन किस साइड है, ये तो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, तो यूज करते टाइम पर मैं इसको नेगेटिव साइन दे दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर मैं यहां पे नेगेटिव साइन दे दूं तो देयरफॉर दिस विल लुक यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दिस इज रो ए वी आर वन, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी डब्ल्यू वन माइनस यू वन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज यू टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये तो वी डब्ल्यू टू है, ओके सो दिस गेट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू जो हमें चाहिए था, तो देखो रो ए वी आर वन, सो दिस इज द फोर्स,